हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका मेडिकल वाला दोस्तों। मैं फिर से आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेके। आज के वीडियो में पेश है आपके सामने ये टैबलेट, जो कि देख पा रहे होगे आप। ये थोड़ा सा यूनिक कलर की पैकिंग में आज मेरे पास में टैबलेट है, तो इसका जो ब्रांड नेम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिलाकार 10 mg के अंदर में ये आपको मिल जाती है। और किस काम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इसका यूज़ करना है, क्या इससे परेशानी आपको हो सकती है, साइड इफ़ेक्ट वगैरह, प्राइस वगैरह, सब कुछ आगे आपको जानने को मिलेगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए और बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं ऐसे दवाइयों से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो बनाता रहता हूं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरह के टैबलेट है, और यहाँ पर लिखा हुआ है सिलाकार 10 mg। और इसके जो प्राइस है, प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है इसका वो है 176 रुपीज़ इसका MRP है, जो कि 15 टैबलेट आपको मार्केट में मिल जाती हैं। और इसके अंदर में जो इसका केमिकल साल्ट है वो है क्लिंडिपाइन, जो कि 10 mg में मौजूद है। और यहाँ पे आपको रेड पट्टी शेड्यूल एच की वार्निंग मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके बारे में आगे कि जो सिलिंडिपाइन है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन है, जो कि बॉडी में कैल्शियम के कार्य को ब्लॉक करके जो अपना काम करती है। ये कार्डियोवास्कुलर कैटेगरी की मेडिसिन है। ये काम कैसे करती है उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में हम जानेंगे इसके यूज़ की किस किस परेशानी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके प्रोसेस की बात करें जो कि कैसे काम करती है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कैल्शियम को ब्लॉक करके जो अपना कार्य करती है। ये एल टाइप और एन टाइप दोनों के ही कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके काम करती है, और यह वेंस और आर्टरी दोनों को ही डाइल्यूट करके अपना कार्य करती है, और हाई ब्लड प्रेशर को जो है नॉर्मल करने का कार्य करती है। इसके स्ट्रेंथ के बारे में जाने तो ये 5 mg और 10 mg और 20 mg तीनों ही कैटेगरी में मिल जाएगी। तो आप अपनी कैटेगरी और बीमारी के हिसाब से जो है इसको परचेज कर सकते हो, जितना भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, 5 mg, 10 mg या 15 mg, 20 mg जो भी है। तो आगे जानते हैं इसके इस्तेमाल की कि इसका इस्तेमाल किन किन परेशानी में किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो बेसिकली हाइपरटेंशन में किया जाता है। सांस लेने में यदि दिक्कत हो रही है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तब भी इसका इस्तेमाल जो है वो कराया जाता है डॉक्टर के अनुसार। सांस फूलना, चेस्ट में पेन होना, ये कुछ कार्यों में भी इसका इस्तेमाल जो है, ये कुछ परेशानी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट में भी जो है इसका इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को का हार्ट जो है वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहा है, तो तब भी उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को दोस्तों एक BP की टैबलेट होती है हाई ब्लड प्रेशर की, जिसका नाम आप सभी लोग जानते होंगे एम्लोडिपाइन, तो जब एम्लोडिपाइन जिस व्यक्ति को जो है सूट ना कर रही हो, या फिर उससे उसको एलर्जी हो, कोई परेशानी हो रही हो, तो तब जो है उस कंडीशन में इस सिलिंडिपाइन टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार कराया जाता है। एक बीमारी और होती है अल्बमिनूरिया, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल जो है वो कराया जाता है। तो ये थे इसके बारे में इसके यूज़ की, तो इन सभी परेशानी में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। अब बात करते हैं कि इससे क्या साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इससे जो साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं वो है जैसे कि सूजन होना बॉडी पे, या फिर फेस पे सूजन होना, पेट पे सूजन होना, उल्टी, चक्कर, दस्त आदि, ये कुछ इससे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज है वो पेशेंट की कंडीशन और पेशेंट की एज पर डिपेंड करती है, तो इसलिए बिना डॉक्टर की परमिशन के इसका इस्तेमाल ना करें। और डोज जो है वो किसी की फिक्स नहीं होते हैं, तो इसलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसकी जो डोज है वो लें। और इस टैबलेट के बारे में इतनी ही जानकारी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे पहले आपको एक बात और बता दूँ, जो लोग इसका सेवन कर रहे हैं या फिर जिन लोगों को हार्ट से संबंधित कोई परेशानी है तो वो इसका यूज़ कर रहे हैं, तो अपनी जो एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू रखें, अच्छे से एक्सरसाइज करें, और जो नमक है, नमक यानी साल्ट, उसका भी सेवन जो है वो बहुत ही कम करना है। तो ये कुछ आपको सावधानियां बरतनी हैं। तो वीडियो यहीं तक ही थी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।